गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है रसायन विज्ञान का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम इसमें जो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए हम क्या लेते हैं? इसके लिए हम लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 का मिश्रण लेते हैं, और इसको रिएक्शन कराने पर क्या बनती है बच्चों? अमोनिया गैस बनती है। इसको संतुलित कर दीजिए तो 2 मोल नाइट्रोजन के 6 मोल हाइड्रोजन के, तो इधर भी 6 मोल हाइड्रोजन के हो गए। प्लस उष्मा क्या होती है बच्चों? इसमें रिलीज होती है, मतलब ये क्या है? एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें उष्मा बन रही है। रिएक्टेंट के कितने मोल है? 1 मोल इसके, 3 मोल इसके, तो इसके 4 मोल है। और प्रोडक्ट के कितने मोल है? 2 मोल है। तो बच्चों, आपने एक नियम पढ़ा होगा, ला सातेलिए का नियम। तो इस नियम का मतलब हम पहले आपको बता देते हैं। इस नियम का मतलब है कि ये आपकी जो अभिक्रिया होगी बच्चों, आपकी जो अभिक्रिया होगी उसका विरोध करती है, उसका विरोध करती है। तो इसका कहने का मतलब ये है, विरोध करने का, अगर आप तापमान को क्या करोगे, आप ताप को बढ़ाओगे तो आपकी अभिक्रिया उस तरफ भागेगी बच्चों, अभिक्रिया उस तरफ भागेगी जिधर क्या होगा, जिधर तापमान जो है, जिधर तापमान कम होगा। तो इसका मतलब वही है, विरोध करने का, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया उस तरफ भागेगी जिधर ताप कम होगा, अगर आप ताप घटाओगे तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिधर ताप अधिक होगा। चूंकि बच्चों, हमको इसमें क्या बनानी है? अमोनिया गैस बनानी है। तो बच्चों, अगर हम तापमान अधिक रखेंगे, मान लो हम तापमान अधिक रख रहे हैं, तो तापमान अधिक रखने का मतलब इधर उष्मा क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो उष्मा रिलीज होने का मतलब सबसे ज्यादा तापमान कहाँ है? इस प्रोडक्ट साइड। अगर हम तापमान बच्चों अधिक रखेंगे, अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ भागेगी? जहां तापमान कम होगा। चूंकि हमको अमोनिया गैस बनानी है, अगर हम तापमान अधिक रख देंगे तो हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त करनी है बच्चों? अमोनिया गैस बनानी है। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम तापमान को क्या करेंगे? कम रखेंगे। अभी हमने बताया रिएक्शन उधर भागती है जिधर तापमान अधिक होगा, अगर हम तापमान कम रखेंगे तो रिएक्शन किधर भागेगी? इस साइड भागेगी, और हमें अमोनिया गैस क्या होगा? हमें अमोनिया गैस प्राप्त होगी। तो हम कितने टेम्परेचर पे कम तापमान रखेंगे तभी बच्चों हमको अमोनिया गैस मिलेगी। इसी तरीके से दाब है, अगर बच्चों हम दाब को बढ़ाएंगे तो ये अभिक्रिया क्या करेगी? कम दाब करना चाहेगी, कम दाब की तरफ भागेगी। अभिक्रिया कहाँ भागेगी? कम दाब की तरफ। तो बच्चों, इधर 4 मोल है, 4 मोल का दाब अधिक होगा, 2 मोल का दाब कम होगा। तो बच्चों, यदि हम दाब अधिक रखेंगे तब क्या होगा? तभी ये कम दाब की तरफ आएगी। कम दाब का मतलब है, अभी हमने बताया 2 मोल जिधर है, ये 2 मोल कम दाब लगाएंगे 4 मोल की अपेक्षा। चूंकि हमको अमोनिया गैस ही बनानी है, इसलिए हम दाब को अधिक रखेंगे तभी ये रिएक्शन कम दाब की तरफ भागेगी, अर्थात बच्चों हमें अमोनिया गैस प्राप्त होगी। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन हमें अब पता चल गई है, तापमान कम रखेंगे और दाब अधिक रखने पर, दाब अधिक रखने पर हमको क्या मिलेगी? हमको अमोनिया गैस प्राप्त होगी। तो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को 1:3 के अनुपात में भेजते हैं। तो सबसे पहले इसको हम किसे
कंप्रेसर पंप या कौन सा ये संपीड़क कक्ष है इसमें भेजते हैं, जहां पे दाब कितना होता है 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ दाब हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद ये जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से होते हुए कहाँ जाती है, उत्प्रेरक कक्ष, या हम इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, अभिक्रिया अभिक्रिया कक्ष में जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयरन क्या है, ये उत्प्रेरक के तरीके से काम करता है, और मॉलीब्डेनम जो होता है ये उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक वर्धक है मतलब ये उत्प्रेरक की मदद करता है, उत्प्रेरक की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो इस कक्ष में क्या होगा बच्चों, और जो आयरन है वो उत्प्रेरक की तरीके से काम करता है, आयरन ऑक्साइड, और हम इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भेज रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयरन उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की प्रेजेंस में तापमान कम रखने का मतलब 700 केल्विन से अगर हम कम ताप रखेंगे तब भी हमें अमोनिया नहीं मिलेगी, अगर हम इससे ज्यादा तापमान रखेंगे तब भी अमोनिया नहीं मिलेगी, तो न्यूनतम ताप 700 केल्विन होना चाहिए और 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तब हमको क्या मिलेगी, अमोनिया गैस मिलेगी। तो इस कक्ष में बच्चों हमको क्या मिल जाता है, इस कक्ष में हमको मिलता है 15 से 20% अमोनिया और कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे जो अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम चूंकि हमें ये अमोनिया जो मिली है वो गैस के रूप में मिली है, तो इसको हम कहाँ भेजते हैं, इसको हम भेजते हैं बच्चों संपीड़क पाइप से होते हुए भेजते हैं। तो ये जो पाइप होती है ये अमोनिया गैस को किस में कन्वर्ट कर देती है, अमोनिया गैस को लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है। इस तरीके से हमको लिक्विड अमोनिया मिल जाता है, और ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जो रिएक्शन नहीं किया हुआ है, इसको हम दोबारा किस में भेज देते हैं बच्चों, इसको हम दोबारा अभिक्रिया कक्ष या उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज बच्चों वेस्ट नहीं करनी है। तो बच्चों इस तरीके से देखा आपने हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हमने अभी बताया उसके 1:3 को गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। ये एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इस क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है, तो लासा तेलिए नियम के अनुसार ये कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। अभी हमने बताया इसको एक्सप्लेन किया कैसे कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। तो बच्चों हम इसमें शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 एटमॉस्फेरिक 200 से 900 एटमॉस्फेरिक दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण, ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम करता है, और इसे 500 डिग्री सेल्सियस या 700 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है। फिर इसको किधर भेजते हैं, अभी हमने बताया संपीड़क पाइप से होते हुए संघनित में प्रवाहित कर द्रवित कर लेते हैं, फिर उसमें जो शेष बची गैसें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसको फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा दोबारा अमोनिया का लगातार उत्पादन होता रहता है। तो बच्चों ये विधि मैंने डिटेल में आपको बता दी है, ये एक चार्ट है जिसमें नाइट्रोजन हमने एयर से लिया, हाइड्रोजन नेचुरल गैस है, इसको 1:3 के अनुपात में लेते हैं, इसमें आयरन कैटलिस्ट के तरीके काम करता है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इसमें अमोनिया गैस बनती है और कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो अनरिएक्टेड गैसों के रूप में है वो बनते हैं। फिर इसको संपीड़क कक्ष में भेजकर
इसको ठंडा कर लिया जाता है। इस तरीके से बच्चों हमें लिक्विड अमोनिया प्राप्त हो जाती है, और जो ये अनरिएक्टेड गैसें हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको दोबारा जो है उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, जिससे हमें लगातार जो है अमोनिया मिलती रहे। तो बच्चों इसके हम रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। ये एक क्षारीय गैस है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है और अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। तो हम देख लेते हैं रिएक्शन, ये कैसे अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। अमोनिया अम्ल मान लो हमने HCl लिया, तो इससे रिएक्शन करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाती है, ये एक लवण है। दूसरी रिएक्शन है बच्चों धातु ऑक्साइडों का अपचयन। तो ये धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है। जैसे मान लो हमने लेड ऑक्साइड लिया और इसमें अमोनिया मिलाया, तापमान हमने उच्च रखा, उच्च ताप रखा, तो ये क्या कर देता है, इसको अपचयित कर देता है। तो हमें लेड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, प्लस वाटर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है। और AgCl से क्रिया करके क्या बनाती है बच्चों, अमोनिया जो होती है वो AgCl के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, AgNH3 का होल ट्वाइस का प्लस Cl माइनस। तो ये क्या बनाती है, डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड का ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है इसके साथ अभिक्रिया करके। और क्लोरीन के साथ जब अमोनिया अभिक्रिया करती है बच्चों क्लोरीन के साथ, तो ये बनाती है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और HCl क्या बनाती है, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, और HCl बनाती है CuO के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है बच्चों, जब अमोनिया CuO के साथ अभिक्रिया करेगी, अभी हमने बताया या धातु ऑक्साइडों का अपचयन कर देती है, तो ये CuO के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, कॉपर का प्रेसिपिटेट बनाएगी, प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर प्राप्त होगा। तो इसका उपयोग किस तरीके से होता है बच्चों, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, बर्फ बनाने में, कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि इसकी वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है 327 किलो कैलोरी होती है। अब हम देखेंगे बच्चों जिनान और फ्लोरीन के मध्य क्या अभिक्रिया होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 में 21 में 22 में पूछा गया है। तो बच्चों जिनान जो होता है फ्लोरीन से अभिक्रिया करके जिनान डाई फ्लोराइड बनाता है, ये जिनॉन है। फ्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जिनॉन डाई फ्लोराइड बनाएगा। इसके बाद बच्चों जिनान फ्लोरीन से अभिक्रिया करके जिनान फ्लोराइड बनाने का मतलब, ये जिनान फ्लोरीन की अधिक मात्रा से अभिक्रिया करके जिनान टेट्राफ्लोराइड बनाता है, ये क्या बनाएगा, जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड फ्लोराइड बनाता है। फिर क्या होगा, जीनॉन फ्लोरीन की अधिक मात्रा से अभिक्रिया करके जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड बनाएगा, ये क्या बना बच्चों, जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड बनाएगा। तो इस तरीके से बच्चों जीनान फ्लोरीन से अभिक्रिया करके जीनान डाई फ्लोराइड बनाता है, जीनान टेट्रा फ्लोराइड और जीनान हेक्सा फ्लोराइड बनाता है। तो बच्चों यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।